क्या हाल है। तो कनाडा में सिर्फ घूमने फिरने ही नहीं आया था, मैं पढ़ने भी आया था। तो मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ। ठंड आज इतनी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बट हाँ मतलब हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, तो हल्का सा चिली मौसम है, बट इट्स नॉट कोल्ड। बट हाँ मतलब ऐसे स्प्रे सा हो रहा है फेस के ऊपर वाटर का। हमेशा की तरह मैंने अपनी बस फिर छोड़ दी है, मेरी आँखों के आगे से गई है ये बस। मतलब तुम ऐप देख के निकलो, यहाँ पे एक ऐप होती है, उस ऐप को देख के निकलो भी तुम्हारी बस कब आ रही है, लेकिन अपेरेंटली वो बस जल्दी चल रही है आज, तो मेरी आँखों के आगे से वो बस निकल गई। अब मुझे नेक्स्ट पकड़नी है। आ गई हमारी बस, आ गई फाइनली हमारी बस आ गई। बाय। बहुत सुंदर लड़की खड़ी है साइड में। हम डाउनटाउन आ गए हैं, कॉलेज के लिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं, और शायद 5-7 मिनट से लेट हूँ मैं, बट इट्स ओके। सामने मेरा कॉलेज है, मैं भी दिखाता हूँ। ये एग्जैक्ट शॉट आप एक मेरी रील में भी देख चुके हो। तो ये मेरा कॉलेज है, ये आसपास जितनी भी बिल्डिंग है सारे मेरे कॉलेज की हैं, और सारे बच्चे। User-centric language for website. The best choice here is tiny dress. Oh, Dresdeny. Oh, okay, that's. What's your relationship with Aritzia? Except that they charge too much. It's time to dig deeper into strategies that brands use to bring these digital. System check. भूख लग रही थी, लेना पड़ा। मेरे कॉलेज के टीम होटल वाले इतने ढीले हैं कि भाई मेरी लिटरली क्लास मिस हो रही है और दे ही नहीं रहे। ये देने में इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, वापस जा रहे हैं। तो मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, मैं हमारे पैटियो पे आ गया हूँ। ये हमारे कॉलेज का पैटियो है, यहाँ से पूरी स्काईलाइन का व्यू भी आता है, सीएन टावर भी यहाँ से दिखता है, बट अभी
बादल आ रखे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा। बाकी इस बिल्डिंग के पीछे, जस्ट पीछे सीएन टावर है, बिकॉज ये एकदम डाउनटाउन के बीच में है। पैटियो है जॉर्ज ब्राउन के सेंट जेम्स कैंपस का, और वो मेरा दोस्त भटक रहा है। यहाँ से हो गया, अब हम एक असाइनमेंट करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत टाइम से नहीं करी हुई थी तो मेरे को करनी थी, तो अब ये मेरी हेल्प करेगा करने में। लेट्स गो। देख के असाइनमेंट करी जा रही है, फिर कनाडा की एजुकेशन को बढ़िया बताते हैं। करना पड़ता है गाइस। ये ब्लैक कलर की टेस्ला बहुत कूल लग रही है ब्रो, काफ़ी कूल गाड़ी है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। ये मैंने जैकेट पहनी हुई है बट इसकी ज़रूरत है नहीं आज। चलो वापस अंदर चलते हैं, और मैं तुमको अपने कॉलेज की कैंटीन दिखाता हूँ। तो अभी हम कैंटीन में बैठे हैं, ये कुछ खा रहा है हमारा असाइनमेंट करने के बाद। दिखा तो मैं सकता हूँ तुम्हें आसपास, बट ऐसे किसी के ऊपर कैमरा पॉइंट करना भी अच्छा नहीं लगता। आई एम अवॉइडिंग। बाकी हाँ, मतलब थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा सा। छोटा सा क्राइसिस हो गया है, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको। तो जो मेरा दोस्त है ये रहा, इसके वर्क परमिट को लेके कुछ थोड़ा सा इशू हो गया है कि इसके वर्क परमिट पे ओपन वर्क परमिट लिखा है, जबकि कोऑप का वर्क परमिट आना चाहिए अभी इसके पास। क्या है वो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे में तो स्टूडेंट लिखा है और कोऑप लिखा है, इसके में ओपन वर्क परमिट लिखा है। और मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि शायद से ओपन वर्क परमिट एक ही बार इशू होता है कनाडा में, तो अभी वो डिस्कस करेगा। स्टूडेंट सेंटर पे हम आए हैं और उसकी मीटिंग शेड्यूल हुई है एक कंसल्टेंट के साथ, फिर वो उसके साथ बात करेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो हाँ भाई, राज्य घर आ गए। ज़्यादा कुछ था नहीं दिन में, क्लासेस चल रही थी, क्लासेस के बीच में तुम्हें क्या ही दिखाता, पढ़ा रहे थे, यही था, नॉर्मल डे था, मेरे को यही दिखाना था। काइंड ऑफ अ डे इन माय लाइफ कह सकते हो, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। कहाँ है भाई सूरज, दूर दूर तक सूरज नहीं है। ये व्लॉग बनाने का यही मोटिव था कि यार, मतलब कनाडा में सिर्फ ऐसा नहीं कि घूमना घूमना घूमना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैं वही डालता हूँ ऑब्वियसली, बट काफ़ी नॉर्मल एस डेज भी होते हैं जहाँ पे मैं सिर्फ कॉलेज आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ 6 घंटे तक, उसके बाद घर आ रहा हूँ, अब मैं प्रॉब्ली सो जाऊँगा। काफ़ी नॉर्मल डेज भी होते हैं, और एक स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है, इंजॉय भी करता हूँ
और आगे जब हम पार्टीज वार्टीज करेंगे उसके भी मैं व्लॉग्स बनाऊंगा। बट ये था एक प्रीटी नॉर्मल डे। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और पिछली वाली वीडियो भी देख लो प्लीज़, बढ़िया वीडियो है। ओके बाय।